हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरी वन, शुभ संध्या सभी को। आज आइए क्लास में, ये आपकी आज की दूसरी क्लास है। बज रहे हैं शाम के 5, 4 बजे आपकी क्लास हुई थी। जिन्होंने नहीं देखा है फ्रेंड्स, आप अपने टाइम से ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है सोशल साइंस हम देखने वाले हैं। जैन धर्म मैंने स्टार्ट किया था कल की क्लास में आपको, उसके बारे में जो टॉपिक लेफ्ट थे वो बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास क्या है। यहाँ पर आप सभी जुड़े हैं शालिनी क्लासेस साथ, मैं हूँ शालिनी, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का। 2022 की नई बैच मैंने चलाई हुई है, आपको नया सब कुछ दे रहे हैं, सारी चीज़ें एक एक टर्म में। आपका जो पेपर है वो 14 सितंबर से मतलब सेशन आपका स्टार्ट हुआ है। 6 महीने आप काउंट डाउन कर लीजिए, लगभग ये 15 फरवरी तक कम्प्लीट हो रहा है। 15 फरवरी के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, लास्ट फरवरी हो सकता है या मार्च के महीने में हो सकता है। तब तक के लिए आपके पास लगभग पूरा जनवरी और फरवरी का टाइम है। 60 दिन आपके पास है 8 सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। 8 सब्जेक्ट पूरे मैंने पढ़ाए हैं, पढ़ा रही हूँ। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, टेलीग्राम पर प्लेलिस्ट भेज दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ से एक एक क्रम में आप देख सकते हैं। नोट्स अपनी बना सकते हैं खुद से, अगर आपके पास किताब है तो किताब से हाईलाइट करते हुए पढ़िए, समझते हुए चलिए। और जिन बच्चों के पास दोनों नहीं है, नोट्स भी नहीं बना रहे हैं, तो वो बच्चे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको वहाँ से जाकर अरुण सर से कांटेक्ट करके परचेज़ करना होगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, शालिनी क्लासेस टेलीग्राम का भी नाम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर भी कर लें, टेलीग्राम पर भी कर लें, बहुत सारी अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेगी बीच बीच में। अभी फिलहाल नहीं है कोई खास, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि आपको डेली कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है जो आपके लिए हेल्प करता है। चलिए, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप कॉलेज जा रहे हैं, नए लोग आपको मिल रहे हैं, तो उनसे भी चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। जितना आप झूम के शेयर करेंगे दोस्तों को, यारों को, सभी को बताएंगे, जितने आप मेरी सपोर्ट में करेंगे, मैं उतने इस गाड़ी को और आगे चलाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं और बढ़ती जाऊंगी धीरे धीरे करके, फिर हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। लेकिन आपका समर्थन बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए। आगे बढ़ते इसी के साथ, चलिए जैन धर्म के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आइए पहले आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ कि क्या बताया। मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, क्या चीज़ें थी, कब आया, कैसे वो बताया। फिर मैंने आपको इनकी उत्पत्ति कब हुई, क्या हुई, सारी बातें बताई, कौन कौन था वो बताया। फिर बात कर लेते हैं महावीर जी के बारे में, जो सब कुछ रिलेटेड इनसे ही है, इन्होंने शुरुआत वगैरह की, वो सारी बातें आपको मैंने बताई। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे एक नए स्टेशन पर पहुँचते हैं, जो धर्म की उत्पत्ति का ये कारण रहा, क्या वजह थी इसको आने की, जब इतने सारे धर्म संप्रदाय पहले से हैं तो ये क्यों आया। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि इनमें कुछ सिद्धांत है, हर जगह के अपने रूल रेगुलेशन होते, वैसे हर एक धर्म के अपने सिद्धांत थे। वो सिद्धांत क्या थे, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे वो बताया, कितने सिद्धांत थे, क्या क्या था उन सिद्धांतों में, सारी बातें मैंने आपसे शेयर की और हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट बताया। अब आते हैं आगे, मैंने आपको जैन धर्म की जो एक ईश्वर के साथ धारणा रही है क्या रहा है, कैसे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आपको क्लियर बताया। ये है आज का टॉपिक जो हम देखना चाहते हैं, जानना है हमें, यहीं से स्टार्टिंग करनी है। तो चलिए, जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं, संस्थाएँ कहिए, संप्रदाय कहिए, विद्यालय कहिए, सभी सेम है, ये क्या है, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया, पॉइंट वाइज देखेंगे, जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदाय में डिवाइड कर दिया गया था। जैन धर्म में जब सारी चीज़ें आई तो देखा गया कि इनको 2 में मेनली तरीके से पूरा प्रॉपरली डिवाइड किया गया। पहला जो था वो था दिगंबर, तो उसके बाद जो आया वो श्वेतांबर आया, 2 जो बटे वो आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। जैन संप्रदाय को कितने में बांटा गया, तो हो सकता है कि 2, 3, 4 वो वाले ऑप्शन दे देता, आप 2 पे टिक करेंगे, या तो कभी कभी बनता है कि दे देते हैं श्वेतांबर, दिगंबर, मलिंदपो, दीपवंश, महावंश, ऐसे करके अलग अलग, तो उसमें आपको एक टिक करना होगा कि जो 2 संप्रदाय में बांटा गया वो दिगंबर और श्वेतांबर था। आगे बढ़ते हैं तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा, विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल आने के कारण हुआ। जो ये विभाजन हुआ आखिर, तो ये बना क्यों, क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य का पूरा सब कुछ था, विख्यात था और विशाल रूप से फैला हुआ था, लेकिन वहाँ पर अकाल आ गया किसी कारण, बस उस वजह से इनको डिवाइड होने का एक मतलब वहाँ पर परिस्थिति क्रिएट हुई। भद्रबाहु उस समय वहाँ के शासक रहे थे और उनके नेतृत्व में ये हुआ, और एक समूह को वहाँ से दक्षिण भारत की तरफ स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करे। वहाँ पर 2 कैटेगरी में लोग बढ़ गए, आधे लोग यहाँ पर रहेंगे, आधे लोग को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, मजबूर किया भी गया, परिस्थिति इनको मजबूर किया, वो दक्षिण भारत की तरफ अपने पूरे ग्रुप को लेके पलायन कर गए, आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 12 साल के बाद, लेकिन वो फिर आगे जब चले गए तो यहाँ पर 12 साल के अकाल के दौरान
दक्षिण भारत में समूह सख्त प्रथाओं पर कायम रहा। दक्षिण भारत में जो समूह था वो काफ़ी प्रथाओं को लेकर जिन प्रथाओं के साथ वो बट गए थे, फिर उसमें काफ़ी नियम बनाए, कार्य किया और काफ़ी सख्त भी रहा और उसके पैसे से काफ़ी बढ़िया कार्य भी किया। मतलब जो जो लोग थे उनसे भी उसी तरीके का पालन करना पड़ता था उनको। लेकिन क्या हुआ, जबकि मगध में जो समूह था वो अधिक ढीला था, मतलब जो दो समूह डिवाइड हो गया था, एक जो दक्षिण भारत की तरफ चला गया था और एक जो मगध में रहा था, मतलब बचा हुआ था, रुका हुआ था, तो दो समूह थे। तो जो दक्षिण भारत की तरफ गया हुआ था वो बहुत सख्त था, उनमें जितने नियम थे सबको उसको कड़ाई से पालन करना होता, सारे लोगों के लिए नियम एक बराबर थे, कोई अलग से नहीं था, जो सब करते थे वही सबको करना था, तो आप उसको फॉलो ही ना करो, एक फॉलो कर रहे हो तो पूरे तरीके से पूरे मन से करो। तो ऐसी भी कंडीशन वहाँ पर देखने को थी। लेकिन जो मगध में ठहरा हुआ था वो बहुत ढीला था, उनका रवैया शांत था, वो अपनाया था सफ़ेद कपड़े को पहनना शुरू कर दिए थे ये ढीले वाले लोग। मतलब जो मगध में रुक के एक समूह मगध में रुक गया था, तो ये लोग का अपना अलग था, वो एक स्वभाव एक लोगों का बहुत टाइट था, एक लोगों का बहुत नम था, यही तीसरी बात दोनों ग्रुपों में मेनली देखने को मिली है। आगे आइए, काल की समाप्ति, जब वो काल बीत गया के बाद दक्षिण समूह मगध में वापस आ गया। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ समय के टाइम इंटरवल के बाद जो दक्षिण समूह यहाँ से गया हुआ था वो लोग वापस आ गए, और बदलती हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को दो संप्रदाय में पहले से ही डिवाइड करके रखा था। फिर जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई, कार्य होते गए, ये चीज़ें और डिवाइड होती गई, फिर दो संप्रदाय पूरी तरीके से अलग होके बढ़ गया था। आगे आइए, वो जो दो संप्रदाय बटे थे, एक दिगंबर था एक श्वेतांबर था। पहले आज बात कर लेते दिगंबर के बारे में, ये क्या थे, पहला पॉइंट, इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्न में विश्वास करते थे, ये पूरे नग्न बिना किसी वस्त्र के बिना किसी पूरे नग्न रहते थे। पुरुष कपड़े नहीं पहनते, जो पुरुष लोग थे जो दिगंबर के मतलब साथ चलते थे, जो इस समूह के साथ थे जो जितने भी पुरुष, वो कपड़े नहीं पहनते थे। जबकि जो महिलाएं भिक्षु थीं, जो महिलाएं थीं वो सफ़ेद साड़ी पहनती थीं, लेकिन पुरुष नहीं पहनते थे। इस तरीके से इनका और सभी नहीं पहनते थे, किसी भी उम्र के हिसाब से नहीं रहा, छोटे से लेके बड़े तक ये नग्न अवस्था में रहते थे, ये कपड़े नहीं पहनते थे। महिलाएं जो होती थी वो कपड़े पहनती थी, वो एक सफ़ेद साड़ी अपने ऊपर धारण करती थी। ये बात हम दिगंबर की कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी पाँच व्रत सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ये शादी ब्याह का कोई रूल नहीं था इनका, कोई गृहस्थ जीवन नहीं था इनका, ये सत्य के साथ चलते थे, अहिंसा के साथ चलते थे, असत्य के साथ चलते थे, अपरिग्रह को ध्यान में रखते थे। जो पांच महाव्रत पहले से थे उनको ये बड़ी कड़ाई से पालन करते थे, और जो इनके यहाँ आता भी था, जो इनके श्वेतांबर के समूह में जुड़ता था, उसको भी फिर यही करना उनको पूरी बात बताई जाती थी। अगर वो इन सारी बातों के साथ सहमत थे तभी वो उसमें आते थे, और फिर वो भी इसी तरीके से कार्य किया करते थे, नहीं तो दंडनीय अपराध भी मिलता था। आगे देखिए, मान्यता उस समय ये थी कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं करती। इनका क्या कहना था कि जो औरतें श्वेतांबर दिगंबर के साथ कर हैं या इस समूह में जुड़ी हुई हैं, अपना पूरा समर्थन योगदान दे रही हैं, उनको मोक्ष नहीं प्राप्त होते होगी। अब जब किसी को मृत्यु नहीं अच्छी प्राप्त होगी, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसको सही तरीके से मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर वो क्या ही मतलब वहाँ कार्य कर रहा है ना, क्या कर रहा है। तो इनका अपना एक मानने का अपना एक सोच का नज़रिया उस टाइम औरतों को लेकर था फिलहाल के लिए। फिर एक पॉइंट है कि भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे, इस संप्रदाय के ये जो श्वेतांबर है सॉरी दिगंबर पढ़ रहे हैं ना, तो दिगंबर के जो प्रतिपादक रहे हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, भद्रबाहु हैं। हो सकता है कि बहुविकल्पी जब बने तो एक ये यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट जाइए आप लोग क्लास को लाइक करके आइए। चलिए, नेक काम में देरी नहीं करते। चलो अब आओ दूसरा समूह देखते हैं, श्वेतांबर। ये क्या है, साधु ये भी थे लेकिन ये भी सफ़ेद वस्त्र को ही धारण करते थे। इनमें भी महिलाएं थीं, इनमें भी पुरुष थे, इनमें भी बच्चे थे, हर एक उम्र के लोग हर एक समूह में थे, कोई उम्र नहीं था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई स्तर या कोई उम्र नहीं थी, कोई उम्र को उम्र के हिसाब से नहीं बांटा गया था। जिसको अनुपालन करना था या जिसका जिसमें आस्था थी वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको कर सकता था, ठीक है। श्वेतांबर हैं तो ये सफ़ेद धारण करते थे। ये इनमें एक बात यह है कि ये चार व्रत का ही पालन करते थे, कौन नहीं करते, दिगंबर लोग पांचों का करते थे, श्वेतांबर लोग एक का नहीं करते, तो वो है ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य को छोड़कर ये गृहस्थ जीवन में भी इन्वॉल्व थे, अपना गृहस्थी का भी कार्य देखते थे, और ये ब्रह्मचर्य को नहीं पालन करते थे। तो श्वेतांबर गृहस्थ से संबंधित थे। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त करती। अब इनके समूह के जो लोग थे, अनुयायी थे, या ये जिस चीज़ को मानते थे, ये क्या बोले कि जो श्वेतांबर के में महिलाएं जुड़ी हुई हैं समूह में
उनको मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, समय वही चल रहा है लेकिन सबका अपना एक थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे वहाँ पर भद्रबाहु थे वैसे यहाँ पर शूलभद्र इनके संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ठीक है, दिगंबर के कौन था? भद्रबाहु। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूल भद्र। हो सकता है कि बहुविकल्पी में आपको बन जाए तो आप ना जानते रहें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बातें पॉइंट के तौर पर बताई। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़िए। अब आइए कुछ वास्तुकलाओं के बारे में जानते हैं कि जैन धर्म जब था तो वहाँ पर आर्किटेक्चर क्या हुआ या कैसे कार्य हुए या क्या बना नया क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर जानना है। तो पहला आप देखिए, ये कभी कभी हो सकता है ना कि हस्तकला या जो साहित्यिक शैली है ऐसे कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है जो आपको बतानी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ बना या कला का प्रदर्शन वगैरह हुआ उसमें लाना या गुम्फा नाम की गुफाएं उस समय केव्स ज़्यादा बनती थी, केव्स जो है वो ज़्यादा बनाई जाती थी। पहले दूसरा है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा भी बहुत ज़्यादा फेमस रही है और डीएलएड में काफ़ी ज़्यादा एलोरा की गुफा से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो संख्या है वो वर्तमान समय में 30 से 35 में है और ये वर्तमान समय में महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और 30 से 35 इनकी संख्या है। एक बात आपको इसी प्रश्न से बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक जो है ये डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में है, लेकिन ये फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ले इसलिए मैंने लिया क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा 2022-23 में 22 बैच का, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड सेमेस्टर के भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। जैसा कि अभी पेपर हुआ ना सेकेंड सेमेस्टर वालों का, अभी दिसंबर में था ना 21-22, 19-20, 21 में, इसमें बहुत सारे ऐसे पेपर रहे हैं जिसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये बात देखने को भी मिलती है कि हर बार फर्स्ट में सेकेंड का क्वेश्चन आता है, सेकेंड में फर्स्ट का आता है। बहुत टफ लेवल का नहीं आता है, आसान ही आता है लेकिन आता ज़रूर है, और सारा नहीं आएगा, एक एक दो दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पर ले ली कि एलोरा की गुफाओं की बात डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में है, इनकी संख्या से बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है कि इनकी संख्या कितनी थी और ये कहाँ पर वर्तमान समय में है। तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र में, संख्या इनकी 30 से 35 है। ठीक है, तो बहुविकल्पी में अगर बन जाए तो आप कर लीजिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट है मांगी तुंगी गुफा। एक गुफा का नाम है मांगी तुंगी गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, इनके टाइम पर बनी थी। गंजपथ गुफा ये भी महाराष्ट्र में है। उदागिरी खंडगिरी गुफाएं ये उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और हाथी गुम्फा गुफा ये उड़ीसा में, ये एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 2015 में शायद, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कुछ कलाओं के बारे में भी आपको बताना चाहा कि बता दें ताकि अगर बन जाए तो आप कर ले जाएं। आगे आइए, चलिए देखिए एक टॉपिक है, सॉरी टॉपिक में है कि जैन धर्म किस प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी हम फिर बताएंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में, लेकिन दोनों में सुना तो है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। तो पहला है कि जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी है। जैन धर्म जो थे वो मानते थे, वो कहते थे हाँ ईश्वर है, ईश्वर होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के जो मतलब प्रतिपादक हैं, जो भी लोग हैं, वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, जैन धर्म वाले मानते थे। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते, जो वर्ण व्यवस्था चार बांटी गई है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जैन धर्म भी इन्हीं के रास्ते पर फिर चल गए क्योंकि जब कुछ नहीं कर पाए तो ये भी मानने लगे, इसी पे कार्य को किया लेकिन कभी विरोध नहीं किया, कभी बहुत घोर निंदा नहीं की, मतलब थोड़ा अगेंस्ट में थे लेकिन बहुत नहीं किया। लेकिन बौद्ध धर्म तो जैसे हाथ धो के पीछे पड़ गया था, तो ये पूरी तरीके से उसका जो है खंडन करने में लगा हुआ था। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता लेकिन बौद्ध धर्म बोलता था नहीं, ख़त्म तो ख़त्म। जैन धर्म ये होता है कि ऐसे होता कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अगले जन्म में अच्छा मनुष्य बनाएंगे, और भी तमाम चीज़ें कही जाती हैं ऐसा सुनने में आता है। तो पुनर्जन्म में दोबारा से किसी रूप में जन्म लेने का एक जो बात है वो जैन धर्म मानते थे कि नहीं हाँ ऐसा होता है, दोबारा से जन्म लिया जाता है या जन्म होता है, लेकिन बौद्ध कहता था नहीं ख़त्म तो ख़त्म। चलिए बड़ा दुष्ट था बौद्ध धर्म, क्यों लग रहा है ना, चलिए नहीं सही है धर्म है, किसी को कुछ नहीं कहते। बुद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया, इन्होंने बीच के एक रास्ते को चुनने का प्रयास किया था, जबकि जैन धर्म के अनुयायी ने कपड़े यानी जीवन को पूरी तरह से त्यागने की वगाह की थी। जब बौद्ध धर्म ने क्या किया कि थोड़ा सा जो है ना कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि शॉर्टकट वाले रास्ते पर चलते थे जो इनके अपने इनकी समझ के अकॉर्डिंग हो, लेकिन जैन धर्म अगर किसी को पालन कर रहे हैं या तो पूरी तरीके से अपनाएंगे या तो उस रास्ते पर नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है,
चलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे आइए। प्रश्न उससे बहुत कम बनेगा, अगर आ जाता है तो आप कर ले जाए, इसीलिए मैं आपको बता दिया। अब जो टॉपिक है वो देखेंगे जैन धर्म का योगदान। देखिए पहला योगदान है वर्ण व्यवस्था की बुराई को सुधारने का। जो वर्ण व्यवस्था चार बटी थी ना, ये भी इनके विरोधी तो थे लेकिन ये चाह रहे थे कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया, आज भी चलता आ रहा है। तो इसकी बुराई को सुधारने का इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। इन्होंने इस पर कार्य किया है, लोगों को बताया, समझाने का प्रयास किया, लोगों में जो गलत भावनाएं बढ़ रही थी उनका खंडन करने का प्रयास अपनी तरफ से पूरा किया। प्राकृत और कन्नड़ भाषा का, कन्नड़ का इनका विकास रहा है, जैन धर्म का इस विकास को लेकर ज़्यादा इनका रहा है। वस्तुकला और साहित्य में बहुत योगदान दिया है, लोगों को वस्तुकला के रास्ते पर ले जाना, साहित्य से जोड़ना। वस्तुकला में कुछ बनाएंगे तो कुछ रोज़मर्रा के कार्य भी बनेंगे, कुछ करेंगे, साहित्य की तरफ रहेंगे तो जानकारियाँ इकट्ठी होंगी, क्योंकि साहित्य को पढ़ने से हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। एकांतवाद ने जैन सिद्धांत का सामाजिक संदर्भ में व्यवहारिक शब्दों में अनुवाद करने के अर्थ में इनको तीन सिद्धांतों में एक हिसाब से बांट दिया था। वो जो बटे हुए हैं वो देखिए, हट धर्मता या कट्टरता का अभाव, ठीक है, दूसरों के स्वतंत्रता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का और सहयोग, शांतिपूर्ण से शेयरिंग करना, सहयोग करना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, दूसरों की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना क्रिएट करना, कट्टर भाव जो है उनको हटाना, ये सारी चीज़ों को नहीं लेके चलना, कार्य सुचारू रूप से करना, कट्टरपंथी के रास्ते पर मत जाना, लोगों को बताना जिनको जानकारी नहीं है, ऐसे बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। यह बौद्धिक और सामाजिक सहिष्णुता की भावना को जगाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब फॉलो होती हैं तो जो एक सामाजिक फैक्टर है, सामाजिक सहिष्णुता है या जो बौद्धिक चीज़ें हैं उनका विकास एक अच्छे लेवल के स्तर से होता है, करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि भावनाओं पे ही चीज़ें डिपेंड होती हैं। अगर आप में भावनाएं सही हैं तो आप सही कार्य करेंगे, सुचारू रूप से करेंगे और सही तरीके से उसको पालन भी करेंगे और लोगों को भी करने के लिए कहेंगे। तो ये सब चीज़ें इनके योगदान में रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी ये क्लास आज होती है ओवर, और जैन धर्म का जो टॉपिक छोटा सा एक बहुमूल्य टॉपिक था, प्रश्न इनसे काफ़ी बनते हैं, तो वो भी होता है ओवर। अब जो कुछ एक आध दो प्रश्न इनमें बनते हैं, मतलब जो कुछ एक आध दो टॉपिक में प्रश्न अलग भी आ जाएंगे, तो वो हम आपको जो प्रश्न करवाएंगे तो आपको बता देंगे। तो इसके लिए आप अब तो परेशान होंगे कहीं नहीं हुआ, मिल जाएगा सब कुछ आपको यहाँ पर, बस डेली आपको आना है, कनेक्टेड रहना है और एक जगह से पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज से जब पढ़ेंगे, मैंने हमेशा बोला है 10 एक टॉपिक की 10 किताब पढ़ लो कभी नहीं आएगा, एक किताब को 10 बार एक टॉपिक की पढ़ लो हमेशा आ जाएगा। तो एक जगह से जुड़िए, एक जगह से रहने का प्रयास करिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपका आधा कोर्स हो चुका है, फिर आप कहीं और ज्वाइन करते हैं, आधा वहाँ से आधा वहाँ से, तो पूरा आपकी एकदम बेस्ट बिरयानी बन जाएगी, तो फिर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़राब हो जाएगी आपका कार्य। तो आप सब आप जानिएगा, फिर मैं तो क्लियर बोल रही हूँ, इसीलिए कोशिश करिए कि एक ही जगह से स्टे होकर प्रॉपर तरीके से पढ़िए, तो मेरा भी सपोर्ट रहेगा, मुझे भी चीज़ें पता चलती हैं, हर एक चीज़ देखी जाती है। तो इस तरीके से आप भी ध्यान रखिए, समझते भी चलिए, मैंने आपको क्या बताया, जिनको समझना है वो समझ गए होंगे। तो कोशिश करिए कि एक स्टे कनेक्टेड रहिए, एक जगह से अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, ताकि मेरा भी आपको फिर एक रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं बच्चा अच्छा है, मुझे उसके लिए काम करना चाहिए, तो मैं उसके लिए काम करूँगी। अगर ऐसा कोई बिहेवियर है, तमाम चीज़ें कुछ भी हैं, तो वो चीज़ें पता चलती है। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसा मत करिए, प्रॉपर तरीके से आइए, देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे मेल करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल, नई बातें, नया टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।